चलते अब कहाँ, क्या, कैसे और कौन से सेक्टर में अधिक नौकरियां हैं। कोरोना काल में जीवन की गति के रुके हुए पहियों को अब पुनः गति देने का समय आ गया है। लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4 के बाद अनलॉक 1 के दौर में विभिन्न क्षेत्रों में काम शुरू कर दिए गए हैं। वर्तमान को ध्यान में रखते हुए आने वाले कल की संभावनाओं की ओर देखें, तभी हम बीते हुए कल की पीड़ा को भुला सकते हैं। आज हम डीएनएक्स जॉब में उन क्षेत्रों की बात करेंगे जिन पर सर्वाधिक संभावनाएं हैं। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय के 1-2 वर्ष अल्पकालिक पूर्णता वाले कार्यों का है, और व्यवहारिक नजरिए में यदि हम अपना अनुभव मिलाकर देखें तो यही ठीक होगा, क्योंकि दीर्घकालीन निवेश या पूर्णता वाले कार्य वर्तमान समय में जोखिम भरे हो सकते हैं, जब तक कोरोना से संपूर्ण मुक्ति का स्पष्टीकरण ना हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्तमान में ठंडा ही रहेगा, तो फिर ग्रो कौन करेगा? निश्चित रूप से इस क्रम में सबसे पहले होगा इंश्योरेंस, पर वैश्विक नज़र डालें तो यह वृहद व्यावसायिक क्षेत्र नज़र आता है, जबकि हिंदुस्तान में व्यक्ति अपने बीमा के प्रति उदासीन ही रहा है। वाहन की अनिवार्यता के चलते हमारे वाहन जरूर बीमित होते हैं, परंतु हम नहीं। कोरोना वायरस के दौर में लोगों की आंखें खुली हैं, बीमा करवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, यह आगे भी जारी रहेगा। फाइनेंस गतिमान व्यवसाय, नए प्रारंभ हुए व्यवसाय सभी कोरोना काल में प्रभावित हुए हैं। व्यवसाय जगत को नुकसान के साथ पूंजी टूटने का सामना भी करना पड़ा है। वर्किंग कैपिटल लगभग खत्म सा हो गया है। सभी व्यावसायिक उपक्रमों में लोन लेने व कम समय में चुकाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। फाइनेंस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। बीमा और ऋण क्षेत्र के बाद नौकरी की संभावनाओं वाले क्षेत्र को देखें तो इस पर देश के बड़े नियोक्ताओं पर अमेरिका के एक बड़े मैन पावर ग्रुप द्वारा किए गए सर्वे की माने तो कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट व माइनिंग, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर नौकरी की संभावनाएं बढ़ेंगी। आइए इन तीनों क्षेत्रों में नज़र डालते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। कोरोना काल में कई बड़ी परियोजनाएं रुकी हुई हैं जिन पर काम भी शुरू हो चुका था। वहीं कई योजनाएं पाइपलाइन पर थी, इन पर शीघ्र ही कार्य शुरू होना है। रियल इस्टेट, सरकार की घोषणा के बाद रेरा ने डेवलपर्स के लिए कंप्लीशन की मोहलत दी है। 6 महीने के बढ़े समय को हासिल करने के लिए डेवलपर्स तेजी से कार्य करेंगे। माइनिंग, माइनिंग में सबसे बड़ा हिस्सा कोयले का है। हाल ही में सरकार ने कोयले पर से कर का सरकारी एकाधिकार को खत्म कर दिया है, इससे माइनिंग में कोयले की तेजी बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNX TV, रायपुर।